तो मध्य प्रदेश और अगली खबर का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में तेज बारिश मुसीबत का सबब बन गई है। कहीं बाढ़ के हालात बन गए हैं तो कहीं बारिश से सड़कें तालाब बन चुकी हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे किस कदर बारिश ने कहर बरपा रखा है। कटनी में भारी बारिश के बाद जगह जगह पानी भर गया, इसकी वजह से वहां एक स्कूल बस खराब होने की खबर आई। बस पानी में आधे से ज्यादा डूबी हुई दिखाई दी। बस पानी के बीचों बीच जब खराब हुई तो उसमें स्कूल के बच्चे भी सवार थे। इधर हरदा में जमकर बारिश हुई, इसकी वजह से यहां गंजाल नदी में उफान आ गया। नदी पर पुल ना होने की वजह से लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करते नजर आए। मनेन्द्रगढ़ से अंबिकापुर जाने वाले नेशनल हाईवे पर तेज बारिश के बाद पानी भर गया, इसकी वजह से वहां से आने जाने वाले लोगों को खासी परेशानियां हो रही हैं। स्कूटर और मोटरसाइकिल से चलने वाले लोग जान जोखिम में डालकर यहां से गुजरने के लिए मजबूर हैं। ये तीन तस्वीरें। मनेन्द्रगढ़ से अंबिकापुर जाने वाले नेशनल हाईवे पर तेज बारिश के बाद पानी भर गया और इसके चलते वहां से आने जाने वाले लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल और मोटरसाइकिल से चलने वाले लोग जान जोखिम में डालकर यहां से गुजरते नजर आए। तो ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरह मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बारिश के चलते हालात बने। शहडोल, कोरबा, डिंडौरी की ये तस्वीरें हैं, बच्चे किस तरह से स्कूल जा रहे हैं। ये सीएम राइज स्कूल का हाल है। कोरबा की आप तस्वीरें देख रहे हैं, लबालब पानी भरा होने के चलते लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। बावजूद इसके जो सरकारी दफ्तर है वहां पानी घुसा हुआ है। बारिश के बाद स्कूल बने तालाब, जर्जर स्कूल कैसे हो पढ़ाई, सड़क के लिए सड़क पर जाम। बारिश से कहीं राहत तो कहीं आफत दिख रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से बारिश की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। नदी नाले उफान पर हैं, कहीं लोग खुश दिख रहे हैं तो कहीं परेशान। बारिश के बीच स्कूल तालाब में तब्दील हो गए हैं। यकीन नहीं हो रहा तो शहडोल से आई इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये स्कूल का परिसर है जो तालाब में तब्दील हो गया है। इसी तालाब से होकर बच्चे टीचर निकलते हैं। ये हालात बुढ़ार ब्लॉक के सीएम राइज स्कूल के हैं, जहां महज एक घंटे की बारिश में स्कूल तालाब में तब्दील हो गया। तेज बारिश होती है तो हमारे विद्यालय में जो पानी भर रहा है वो पानी जो है बाहर सड़क और नालियों का पानी ही मेन गेट से अंदर घुस रहा है। हमने तो पूरी व्यवस्था कर रखी है विद्यालय के कि नालियों के द्वारा जो बारिश का पानी है वो निकल जाए, किंतु अभी कुछ दिनों से नाली का पानी और बाहर के बारिश रोड का पानी विद्यालय में घुस रहा है, उसके कारण हमारी क्लासेस अव्यवस्थित हो गई। आदिवासी विकास विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि पुरानी बिल्डिंग में स्कूल चल रहा है, जल्द ही नई बिल्डिंग में स्कूल शिफ्ट होने के बाद इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। सीएम राइज की नई बिल्डिंग एक्चुअली अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो पुराना एग्जिस्टिंग स्कूल था उत्कृष्ट विद्यालय उसी में सीएम राइज हम लोग चला रहे हैं और ये बिल्डिंग एक दो साल डेढ़ साल में बनकर तैयार हो जाएगी। इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम, पर अभी जो प्रॉब्लम है दैट इज सीवियर प्रॉब्लम, तो इसके लिए इंस्टेंट इसके रिड्रेसल के लिए बीओ को मैं कॉन्टेक्ट कर रहा हूँ। अब आपको कोरबा जिले के एक सरकारी स्कूल का हाल दिखाते हैं। जर्जर हो चुकी ये बिल्डिंग कब गिर जाए कुछ नहीं पता, लेकिन इसमें स्कूल चल रहा है, बच्चों की जान खतरे में है, लेकिन जिम्मेदार बेखबर है। गुस्साए ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर इसकी शिकायत की। उधर